भारत में जिस तरीके से एसयूवी का ये दौर चल रहा है, तो इसमें एक इकलौता सेगमेंट ऐसा है जो एसयूवी को आज भी टक्कर दे पा रहा है, चाहे वो उसकी प्रीमियम गाड़ियां हो या फिर एंट्री लेवल। ये सेगमेंट है हैचबैक सेगमेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स की जो हैचबैक सेगमेंट में आती हैं और दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की 15th पोजीशन पर आने वाली फॉक्सवैगन पोलो के साथ, जिसकी 762 यूनिट्स बिकी हैं, यानी 762 फॉक्सवैगन पोलो बिकी हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। फॉक्सवैगन कंपनी के अंदर ही ऑडी वगैरह भी आती हैं, कई सारी कंपनियां आती हैं। तो फॉक्सवैगन पोलो का जो करंट मॉडल बिक रहा है, जिसको मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, अब ज़रूरत है इसको थोड़ा और अपडेट करके मॉडर्न डे फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाए, क्योंकि फॉक्सवैगन की गाड़ियों की जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बट अब जो अपडेटेड मॉडल्स आ रहे हैं अदर कंपनी के, उनको देखते हुए ये काफ़ी आउटडेटेड लगता है। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। 16.47 टू 17.99 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइस 6,49,000 रुपये से शुरू होकर के 10,25,000 रुपये तक जाती है। हालांकि ग्लोबली इसको अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है, कुछ ऐसी दिखती है ग्लोबली। 14 पोजीशन पर है रेनो की क्विड। रेनो क्विड लॉन्च होने के साथ ही काफ़ी अच्छी सेलर रही है और टाइम टू टाइम इसमें अपडेट भी आते रहे हैं। अभी भी जो ये रेनो क्विड बिक रही है काफ़ी अपडेटेड वर्जन है और मॉडर्न डे फीचर्स के साथ आता है, कोई खास कमी ऐसी लगती नहीं है और सही प्राइस पॉइंट पे आती है, इसीलिए टॉप सेलिंग गाड़ियों में भी ये शामिल हो जाती है। 1056 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर के महीने में। इसकी सेल्स जो है वो थोड़ी कम रही है, ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 20.71 टू 22 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 4,24,000 रुपये से इसकी एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और 5,81,000 रुपये तक जाती है। 13 पोजीशन पर है हुंडई की सेंट्रो, जिसकी 1,298 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल और सीएनजी के ऑप्शन इसमें मिल जाता है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में आती है। 20-30 किलोमीटर पर kg का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइस 4,86,000 रुपये से शुरू होती है और 6,45,000 रुपये तक जाती है। 12th पोजीशन पर आई है टोयोटा ग्लांजा, जिसके 2,634 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। 19.56 टू 21.96 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइस 7,49,000 रुपये से शुरू होकर के 9,44,000 रुपये तक जाती है। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसके 3,150 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल, CVT, IMT और DCT ट्रांसमिशन के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। 19.65 टू 25.2 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। Hyundai i20 का जो अपडेटेड वर्जन है, ये लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स पर काफ़ी फर्क पड़ा है। हो सकता है थोड़ी महंगी लॉन्च की गई है, इसीलिए इसकी जो सेल्स है उस लेवल तक नहीं जा पाती। एक्शोरूम प्राइस 6,98,000 रुपये से शुरू होकर के 11,47,000 रुपये तक जाती है और इसके सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती हैं वो इससे काफ़ी बेहतर सेल्स कर रही हैं। 10th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इग्निस, जिसकी 3,209 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 20.89 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस 5,02,000 रुपये से शुरू होकर के 7,53,000 रुपये तक जाती है। 9th पोजीशन पर है टाटा की टियागो, 3,675 यूनिट्स इसके बिके हैं दिसंबर में। टाटा टियागो केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, जल्द ही इसका CNG वेरिएंट भी भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। 19.8 टू 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइस 5,00,000 रुपये से शुरू होकर के 7,07,000 रुपये तक जाती है। 8th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रॉज। टाटा अल्ट्रॉज के 5,009 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर में पूरे भारत में। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.05 टू 25.11 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,89,000 रुपये से और 9,65,000 रुपये तक जाती है। फिलहाल ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आ रही है, आने वाले कुछ महीनों में इसका जो ऑटोमेटिक वेरियंट है उसको भी लॉन्च किया जाना है। 7th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जिसके 5,150 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल और CNG दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 21.53 टू 31.19 किलोमीटर पर kg का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है।
ऐप शोरूम प्राइस 3,78,000 रुपए से शुरू होकर के 5,43,000 रुपए तक जाती है। सिक्स पोजीशन पर आई है हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी सेलेरियो। सेलेरियो के 5,656 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत में। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में 25.17 टू 26.23 केएमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 4,99,000 रुपए से शुरू होती है और 6,94,000 रुपए तक जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर है ह्यूंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस, जिसके दिसंबर में 6,151 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में आती है। 18.9-25 केएमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 5,30,000 रुपए से शुरू होकर के 8,51,000 रुपए तक जाती है। फोर्थ पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो, जिसके 11,170 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 22.05-31.59 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 3,15,000 रुपए से शुरू होकर के 4,82,000 रुपए तक जाती है। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी बलेनो। 14,458 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में 19.56-21.96 केएमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 5,97,000 रुपए से शुरू होकर के 9,33,000 रुपए तक जाती है। सेकेंड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसके 15,661 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में 23.2-23.76 केएमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 5,85,000 रुपए से और 8,67,000 रुपए तक जाती है। टॉप 15 बेस्ट सेलिंग हैचबैक की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी वैगनार, जिसकी 19,728 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैगनार पेट्रोल और सीएनजी मिल जाती है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में 20.52-32.52 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 4,93,000 रुपए से शुरू होकर के 6,45,000 रुपए तक जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए टॉप 10 बेस्ट सेलिंग सेडान, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी का वीडियो लेकर के आएंगे। और इससे पहले साल 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां कौन सी हैं, उसकी एक लिस्ट आपके लिए बना चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।